मध्य प्रदेश के शाजापुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा नरेंद्र मोदी आरएसएस के दिल में नफरत, हमारा काम उस नफरत को मिटाना। आदिवासियों पर दिए बयान को लेकर राहुल ने चुनाव आयोग में दाखिल किया जवाब, बोले नहीं तोड़ी आचार संहिता, हमसे ना करें भेदभाव। पूर्वांचल की लड़ाई से ठीक पहले कांग्रेस पर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा कांग्रेस और बीजेपी एक हैं, छठे चरण में बीजेपी कांग्रेस शून्य पर रहेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना, बोली अलवर घटना को लेकर कांग्रेस सरकार पर हो कार्रवाई, दलित विरोधी है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का पीएम मोदी पर विवादित बयान, बोले मोदी उस दुल्हन की तरह जो रोटी कम बेलती है चूड़ियां ज्यादा खनकाती हैं। लेह में अफसरों पर जवानों से किसे दोगे वोट पूछने का आरोप, चुनाव आयोग ने सेना को भेजी एडवाइजरी, अधिकारियों से मांगा जवाब। सातवें चरण के रन के लिए पीएम मोदी लगाएंगे जोर, आज उत्तर प्रदेश में करेंगे दो रैलियां, रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर में होगी पीएम की सभा। मतदान से एक दिन पहले बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे गौतम गंभीर, कहा इस बार जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कल राजधानी में सभी 7 सीटों पर होगी वोटिंग। आखिरी चरण के रन के लिए प्रियंका लगाएंगी पूरी ताकत, 13 मई को मध्य प्रदेश दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी, 14 मई को करेंगी हिमाचल प्रदेश में चुनावी दौरा। पंजाब में बीजेपी का धुआंधार प्रचार, गुरदासपुर में बीजेपी उम्मीदवार सनी देओल ने किया रोड शो, बोले अब की बार बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के गोरे काले वाले बयान को लेकर भड़के गिरिराज सिंह, बोले देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं सिद्धू, मुसलमानों को भड़काना उनका काम। पश्चिम बंगाल में छठे चरण का मतदान कल, केंद्रीय सुरक्षा बलों की 770 कंपनियां होंगी तैनात, अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया कदम। भारत को मिला दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर अपाचे, भारत ने अमेरिका के साथ 22 अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर का किया करार। मिशन शक्ति पर उठे सवालों पर बोले डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, मिशन शक्ति के दौरान टेस्ट से निकला ज्यादातर मलबा हुआ नष्ट। भारतीय विकास दर को मोदी राज में लगा झटका, औद्योगिक वृद्धि दर मार्च में घटकर 0.1% रही, 2018 में थी औद्योगिक वृद्धि दर 5.3%। एक बार फिर जंग के मूड में आया उत्तर कोरिया, अमेरिका के गैर कानूनी तरीके से कोयले की खेप ले जा रहे मालवाहक जहाज को सीज करने की घोषणा। दिल्ली कैपिटल्स को हरा फाइनल में पहुंचने पर गदगद कैप्टन कूल, कहा गेंदबाजों के दम पर 8वीं बार फाइनल में पहुंची सीएसके। मुंबई इंडियंस से होगी चेन्नई की खिताबी भिड़ंत, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल का फाइनल मुकाबला। दुनिया में नहीं रहे एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा, लंबे वक्त से थे बीमार, कई नामी फिल्म कलाकारों को सिखाए थे अभिनय के गुर। बॉक्स ऑफिस पर चला फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का जादू, पहले दिन की करीब 12 करोड़ की कमाई, वीकेंड पर फिल्म से ज्यादा कलेक्शन की उम्मीद।